हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे अक्टूबर बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आप अगर टेलरिंग प्रोफेशन में हैं, बिगनर्स हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने पेंट प्लाजो बनाया है, बिल्कुल तैयार कर लिया है। जितनी भी इसकी आपकी कंप्लीट लेंथ हो, आप उसे 1.5 लेंथ में कम रखना, ठीक है। तो मेरे पास इसकी 34 पॉइंट समथिंग लेंथ थी, तो मैंने इसे 33 रख दिया। ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, सिर्फ बॉटम छोड़ दिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया। अब ये अगर मैं सिंपल बनाती तो मैं इसको मोड़ देती, ये जो एक्स्ट्रा वाला है ना। और यहाँ पे मैंने एक स्लिट खोला है साइड में 4 इंच का, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ का है, आप इसे इतना ही खोलें। और किनारे दोनों साइड के मैंने ऐसे करके फोल्ड कर दिए, ठीक। अब क्या है कि हम लोग देखिए टेलरिंग प्रोफेशन में हैं, तो हमारे को इसका मार्जिन लेके चलना होता है, तो इसीलिए मैंने इसको काटा नहीं है। तो अब हम इसकी विड्थ चेक करते हैं। देखिए मैंने 5.5 इसको नापा, नापने के बाद ये देखिए मैंने इसे 4 टाइम फोल्ड कर दिया, यानी फोल्ड करने के बाद ही मेरे पास 22.5 आ गया। तो 22 भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा हम आगे की तरफ स्लांट डालेंगे, तो उसके लिए 3 इंच और ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक पट्टी काट रखी है, 4 इंच तो ऐसे करके इसकी हाइट में है, और विथ वाइज ये हमारे पास, अब मैं नाप के दिखाती हूँ, एक साइड का बता रही हूँ, जब दोनों साइड का होगा तो वो तो डबल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 22 है मेरा, और मैंने ये 3 इंच का ऐसे करके स्लांट डाल लिया, ठीक। अगर आपके पास पट्टी कम हो तो आप टोटल 22 के अंदर ही कर सकते हैं, मेरे पास तो था इसलिए मैंने कर लिया। ये देखिए क्योंकि फ्लावर बनता है ना, तो उसमें काफ़ी कपड़ा लगता है। अब इसकी जो हाइट है, मैंने पूरी 4 इंच लिया, अब पीस सेंटर में मैं ऐसे करके कट लगा लूँगी। और ये कपड़े को मैंने, ये देखिए मोड़ा हुआ, मोड़ने का निशान तो लगाया है। अगर आप अपना बना रहे हो तो आप इसे कट कर लेना, लेकिन हम लोगों को, टेलर लोगों को थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना होता है। कस्टमर कभी भी कह देता है इसे लंबा करो, छोटा करो, तो हम कहाँ से करेंगे। छोटा तो कट करके कर देंगे, लेकिन लंबा तो नहीं कर सकते ना, तो इसलिए हम इसे इस पट्टी के अंदर ही ऐड कर देंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप कस्टमर का बनाओ तो बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, और अपना बनाओ तो आप काट लेना, फिर तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर ही लोगे। तो देखिए क्या करा मैंने, 22 तक का मैंने पहले निशान लगाया था, वहाँ कर्व काटा। अब मैं थोड़ा, जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो थोड़ी और लंबे स्लांट में लगाऊंगी ताकि मुझे नोक अच्छी सी मिल जाए, ठीक है। तो मैंने 20 पर निशान लगा लिया। ये देखिए अब मेरे पास 20 सेंटर का निशान आ गया, और यहाँ पे भी मैंने, ये देखिए यहाँ जो हमारा एक सिलाई पे तो मैंने कट डाल दिया है, ये जो अंदर की सिलाई है ना, यहाँ पे मैं इसको देखिए कैसे रखूँगी, ये पीछे करके, ये देखिए ऐसे करके। अब आप अगर इसे काट लोगे तो आपका तो कपड़ा मिल जाएगा, लेकिन मुझे इसे मार्जिन में रखना है तो मेरे को इसको अंदर रखना ही होगा। ये देखिए अब इसको मैं जोड़ने का आपको इतना अच्छा तरीका बताऊँगी, बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये देखिए ऐसे करके जोड़ा हमने, ठीक। अब इसके जस्ट दूसरी साइड भी हम ऐसे करेंगे, जैसे एक पैर में हम करेंगे ना, वैसे ही आप दूसरे पैर में भी करते रहना। अब दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल लाइन के ऊपर ऊपर चलेंगे। ये देखिए, ये दिख रही है ना आपको, एक थोड़ा सा गाढ़ा कर देती हूँ। ये देखिए इस लाइन के ऊपर ऊपर चलेंगे ऐसे करके, ठीक है ना। अगर आपका ये कपड़ा कटा होगा फिर तो आपको दिक्कत ही नहीं, बस सीधा सिल देना है, लेकिन अगर मार्जिन रखना है तो आपको ऐसे ही रखना। ये देखिए सिलाई लग गई ना, अब हम इसे कैसे करेंगे, बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा और बहुत आसान तरीके से। ये देखिए कट हमने लगा दिया, अब यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लगा देंगे, ये देखिए, जिससे हमें जोड़ने में आसानी हो जाएगी। अब दूसरी साइड भी सेम प्रोसीजर करेंगे, ये देखिए, ठीक है, और फिर सीधी लाइन लगाएंगे। अब इसे देखो क्या फोल्ड कर रहे हैं हम, एक साइड का दिखाऊंगी फिर दूसरी साइड का भी दिखाऊंगी। ये देखिए ऐसे करके, अब जहाँ तक हमने ये कट लगाया था बिल्कुल वहाँ से ही सिलना शुरू करना है, ताकि कोई भी कपड़ा हमारा आगे पीछे ना हो। ये देखिए बस ऐसे करके,
सीधा लेते जाएंगे, 20 तक तो बिल्कुल सीधा ले लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा स्लांट घुमाना शुरू करेंगे। ये यहाँ से अब शुरू कर दिया हमने, वो 4-5 इंच का स्लांट घूम जाएगा, ये देखिए, ये बस यहाँ पे आके थोड़ा पक्का कर देना, ठीक है। अब हम इसे पलटेंगे, तो यहाँ से पलट लेते हैं, कहीं से भी बीच में से पलट लेना, निकल आराम से जाएगा, क्योंकि बड़ा है ना ये, चौड़ा है फोल्ड, सिर्फ डोरी निकालने में दिक्कत होती है, बाकी सब तो बहुत इजीली निकल जाता है। ये देखिए, बस ऐसे करते हुए बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। एक साइड का हो गया ना, अभी इसका दूसरी साइड का भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसे लिया और पीछे को पलटा बस, और पलट के दोनों को मिला के सिलाई लगा देंगे। ये देखो कितना हो गया ना, कितना आसान, बहुत ही आसान है और बहुत सुंदर बनता है ये, ठीक है ना। टीनेजर तो बहुत ही पसंद करते हैं इसको, बस जब भी बनाना है ये बहुत नीचा मत बनाना, क्योंकि डोरियाँ नीचे को लटकती है ना, थोड़ा ऊंचा ही बनाना। जब आपका बनने के बाद, डोरी बांधने के बाद ये आपका एंकल तक आना चाहिए, ये देखिए, ठीक। अब इसे भी हम सीधा कर लेंगे, बस ये नोक अच्छे से निकाल लेंगे, बाद में फिर निकालने में दिक्कत होती है अगर थोड़ी बहुत अंदर रह जाए। ये देखिए, बस अब सारे कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर टॉप सीन लगा देंगे। ये इस कपड़े को सीधा ही रखना, मुड़ा हुआ ना रहे, ठीक है ना। अगर आप इसे काट लेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। तो जितनी भी आपकी लेंथ होगी ना टोटल, तो आप 1.5 छोटा बनाना, मतलब जब आप काटोगे ना बिल्कुल पूरी लेंथ पे काट लेना, सिलने के बाद वो अपने आप ही 1.5 शॉर्ट हो जाएगा, जो हम मोड़ने का रखते हैं ना, बस वो ना रखना, बिल्कुल तैयार इतने पे बना लेना। जैसे आपकी मान लीजिए 35 लेंथ है, तो आप 35 पे ही कट कर लेना, तो आपका ठीक आएगा। ये देखिए बन गया ना, अभी मैं इसका जो फ्लावर होता है ना वो भी बांधना दिखाऊंगी, और इसकी फिनिशिंग भी चेक कराऊंगी कि कितनी फिनिशिंग आती है इसमें। अब देखिए, मैंने जो इसका स्लांट खोला था ना वो 4 इंच का खोला था, ठीक है। आप उसको थोड़ा कम भी खोल सकते हैं, लेकिन अभी दिखाती हूँ कि उसका क्या हिसाब होता है। ये देखिए बन गया, बस अब जितने भी धागे वगैरह आपको दिखे एक्स्ट्रा में, बस इसे कट कर लेना, क्योंकि फिनिशिंग तो हाथों हाथ ही लेके चलनी होती है। ये देखिए, ये फिनिशिंग हो गई इसकी, और आप देखो कितना सुंदर बना है। अभी मैं दूसरे पैर की भी दिखाती हूँ, मैं हाथों हाथ बनाती चल रही थी, एक आपको दिखाती चल रही थी, एक बनाती चल रही थी। ये देखिए, ऐसे करके हम क्रॉस में करेंगे तो इसमें हमारा पैर आ जाना चाहिए, बस इस तरह लेना है, ठीक है ना। अब कोने वगैरह सब देखो आप कितने अच्छे आए हैं। तो हमारा पेंट प्लाजो बन के रेडी हो गया, और ये देखिए, ये मैंने फ्लावर बांध दिए, इसी तरह बांधेंगे बड़े बड़े। तो एक मैं आपको बांधना बता दूंगी, और फिर एक आप अपने आप बांध लेना, ठीक है। ये देखिए, अब इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे टाइट करना है, आपको जितना ज़रूरत हो अपने पैर के अकॉर्डिंग टाइट कर लेना, फिर इसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे ये करना, और आपको ऊपर से लेना है। हम आमतौर पे जैसे शूज़ में बांधते हैं तो वो हम नीचे से कर देते हैं, पलटते हैं, तो ऊपर से आपको टर्न करना है, बस सिर्फ इतना सा ही अंतर है इसके अंदर। ये देखिए बो बन गई। अब आप इस बो को, आपकी अगर डोरी ज़्यादा लटक रही हो, आप बो को थोड़ा और ऊपर खींच देना, आपकी इक्वल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स में शेयर